नमस्कार साथियों, मैं दीपंकर समददार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त, बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज निधि के बारे में एकदम सीक्रेट बताने जा रहा हूँ कि निधि कंपनी चलाते कैसे, ध्यान से सुनिएगा। एक चीज बता दूं, नीचे कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब शेयर करना है, आप लोगों को सपोर्ट करना होगा। अब सुनिए निधि कंपनी का सीक्रेट क्या है कि कैसे पैसे हम लोग ला सकते हैं, कैसे हम लोग पैसे को एम्प्लॉय कर सकते हैं। पैसे लाने का जुगाड़ सबसे पहले देखते हैं, आपके पास ऑफिस प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर ऑफिस रखिए, ऑफिस को प्रॉपरली सजा दीजिए, बैंक जैसे पूरा सजा दीजिए, वहां पे काउंटर होगा, सारी चीजें होंगी जो लगता है निधि कंपनी के लिए, जो अगर सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, सारी व्यवस्था रख लीजिए। जितने एम्प्लॉयज की जरूरत है ऑफिस में, अगर दो लोगों की जरूरत है तो दो तीन लोगों को रख लीजिए, दो तीन लोग और रखिए जो कि मार्केट में जा सके। छोटी छोटी बस्तियां, छोटे छोटे कस्बे जहां पर लोग प्राइवेट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, अपनी रिक्शा चलाते हैं, अपना टेम्पो चलाते हैं, उनकी वाइफ ट्यूशन पढ़ाती है, कोई टिफिन का काम करती है, ऐसे कोई भी गृह उद्योग करती है जिससे उनका रोजी रोटी चलता होगा, ऐसे लोग क्या करते हैं, प्राइवेट में पैसे लेते हैं 10,000 रुपए एग्जाम्पल के लिए, और 100-100 रुपए करके 120 दिन पे करते हैं। बहुत हैवी इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता है, कारण क्या, उनको बैंक लोन नहीं देता। आप लोन दीजिए, मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास 4 एम्प्लॉय या 3 एम्प्लॉय भी हैं जो पर डे 10 लोगों से मिल रहे हैं, 4 फॉर्म आपके पास आ जाएंगे कि भाई हमको लोन चाहिए, तो एक तरफ लोन चाहिए वाले आ जाएंगे। दूसरा, मैं एक और बात बता दूं, वो ऐसे लोगों के पास छोटे छोटे पैसे होते हैं जिनको वो सहेज कर रखना चाहते हैं। निधि में सबसे अच्छी बात क्या है कि आप 2% सेविंग पे भी ज्यादा ब्याज दे सकते हो नेशनलाइज बैंक से, तो ये भला वाला काम तो जरूर करना चाहिए। सेविंग के लिए खाता जरूर खुलवाइए, मेंबर्स उनको बनाइए, उनको बताइए कि आपका जो मेंबरशिप है, 100 रुपए का सपोज करिए मेंबरशिप है, मतलब शेयर हम लोग उनको देने वाले, तो वो 100 रुपए की सर्टिफिकेट भी तत्काल उनको प्रोवाइड करिए। ऐसे इनिशियली 100, 200, 500 लोगों से मिलना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ये 100, 200, 500 लोग आपके शुरुआती मेंबर हो जाएंगे, मैं लिटरली बता रहा हूं, सिर्फ 1 से 2 महीने का काम है 200 लोग, उससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी एक परिवार में जाएंगे तो वहां से 5 फॉर्म लेकर आ सकते हैं, 100-100 रुपए के 5 फॉर्म लेकर आ गए तो वो 500 रुपए का शेयर उनको अलॉट कर दिए, जिस दिन वो जाना चाहे वो पैसे हम उनको लौटा देंगे। एकदम क्लियर रखिएगा, ये मेंबरशिप के पैसे आपके नहीं है, वो उन्होंने जमा किए हैं शेयर्स के अगेंस्ट में, तो आपके मेंबर्स जमा होना चालू हो जाएंगे। आपके 2 या 3 एम्प्लॉयज पर डे 20-30 फॉर्म ला सकते हैं, एवरेज अगर मैं 20 फॉर्म बोलता हूं 3 एम्प्लॉयज का डेली, 6-7 6-7, मैं आपको बता रहा हूं 10 दिन में 200 मेंबर होते हैं। इसके ऊपर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, आपको 10 दिन में 200 मेंबर मिलेंगे या तो महीने भर में। तो ये पहला प्रॉब्लम मैं आपका सॉर्ट आउट कर दिया कि मेंबर 200 कैसे कब मिलेंगे, तो ये हो गया। दूसरा, जो मेंबर बने हैं वो कोई ना कोई काम करते हैं और छोटा छोटा पैसा कमाते हैं, तो वो जो छोटे छोटे पैसे कमाते हैं उनकी सेविंग्स को अपने पास जमा करने के लिए जो आपके लोग हैं वो उनसे मिलते रहें और उनकी सेविंग्स को लाकर खाते में, निधि के अकाउंट में जमा करते रहें, उनको 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा, जो कि उनके जेब में पड़ा रहे तो उतना पैसा नहीं मिलेगा, खर्च हो सकता है, थोड़े से लोअर मिडिल क्लास लोगों के पास पैसे जेब में रहने से खर्च हो जाते हैं, आप हेल्प करिए उनका खाता खोल दीजिए। तो ये करने के बाद आपका दूसरा चीज हो गया कि सेविंग अकाउंट के पैसे आने लगे आपके पास, सेविंग अकाउंट का पैसा आपके पास आने लग गया। अब मैं आपको बताऊं कि बड़े खाते और बड़े अमाउंट कैसे आएंगे, ये जबरदस्त सीक्रेट है, ध्यान से सुनिएगा। मैं उसके लिए सबसे पहले एक चीज बता दूं, आपके पास ऑफिस सही होना चाहिए, काउंटर सही होना चाहिए, आपकी बैठक सही होनी चाहिए, लोगों को ये लगना चाहिए कि ये आदमी सही में काम कर रहा है, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है निधि के, इन लोग फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड काम नहीं करना है, हमको सही काम करना है, नियमों से करना है, सारे नियम कानून अपने को फॉलो करने हैं NBFC के, वो सारे नियम कानून हमारे चार्ट बनाकर, हमारे ऑफिस में लगाकर लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, हमारे निधि के ऑफिस में लोगों को आने का आदत पड़ जाना चाहिए। ये चीज आप 2-3-4 महीने बस करिए, उसके बाद मैं जो बता रहा हूं ये आइडिया अपनाइए। क्या करना है, 4 महीने आपने अपना गुडविल सेट कर दिया, सारे जगह पर आपके लोग फैलने लगे, आपके मेंबर्स फैलने लगे, अब आप जाइए किसी एक रिटायर्ड बैंक के कर्मचारी या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जिसने काम किया हो, वहां के कर्मचारी जो रिटायर हो गए रहते हैं उनको काम की बहुत जरूरत रहती है, और उनको थोड़ा सा
रिटायरमेंट के बाद कुछ सैलरी मिल जाए तो उनको मजा आ जाता है और उनके खर्चे निकल आते हैं। ऐसे किसी एक्टिव आदमी जिनको जरूरत है पैसे की और वो काम भी करना चाहते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से रिटायर हुए हैं, उनको तत्काल एम्प्लॉय करिए अपने निधि में। उनको बोलिए, सर आपका ये वेतन मैं दे रहा हूँ, ये मिनिमम वेतन है, एक्स वेतन, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये आपको वेतन मैं दूंगा, या 15,000 दूंगा, या 20,000 दूंगा। इसके अलावा जो भी डिपॉजिट्स आप लाएंगे वो डिपॉजिट के बेसिस पे एम्प्लॉय इंसेंटिव, ध्यान रखिए कमीशन नहीं दे सकते, इंसेंटिव दे सकते हैं क्योंकि वो स्पेशल एफर्ट लगा रहा है। तो एम्प्लॉय इंसेंटिव देकर आप ये वाला बात अपने एम्प्लॉय को बोलिए, वो 100% काफी लोगों को जानते हैं, सबके पास जा सकते हैं, मैक्सिमम रिटायर्ड लोग उनसे कनेक्टेड है। हर एक रिटायर्ड व्यक्ति जो कि किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आया होता है, उनको एक ज्यादा 1% भी ब्याज का अगर एक्स्ट्रा मिलता है तो वो जरूर पैसे डाल सकता है, लेकिन उनको भी एक कॉन्फिडेंस वाला आदमी चाहिए। तो वो एम्प्लॉय जिसको आपने रखा है वो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपकी तरफ से सामने वाले को दे सकते हैं। वो अपने पैसे का, सपोज करिए किसी के पास 20 लाख रुपए पड़ा हुआ है, वो बोलेंगे मैं 5 लाख रख के देखता हूँ, साल भर रख के उन्होंने देखा, बोले हाँ यार ये ब्याज तो दे रहे, फिर और 5 लाख भी आपके पास रख सकते हैं, वो 10 लाख हो गए। अगर वो 100 लोगों को जानते हैं और सिर्फ 20 लोगों से उन्होंने 10 लाख रुपए अरेंज कर दिए, दोस्तों 2 करोड़ रुपए आपके पास आ गए। वो 2 करोड़ में 7.5% आप पक्का कमाने वाले हैं। तो एक व्यक्ति के कारण आप 15 लाख रुपए बिल्कुल कमा सकते हैं, वो जो डिपॉजिट ला कर देंगे उससे। तो एम्प्लॉयज आपका सेविंग का फॉर्म भरवा के लाएंगे, सेविंग अकाउंट फिलअप करेंगे, और एम्प्लॉयज एक और काम करेंगे वो है लोन के फॉर्म्स लेकर आएंगे। आपका जो ये बैंक रिटायर्ड फाइनेंशियल बंदा है प्लस आपके एम्प्लॉयज, ऑब्वियसली वो भी मेहनत करेंगे, ये बड़े टिकट्स के पैसे आपके लिए ला कर देंगे। आप वो पूरे पैसे को इन्वेस्ट करिए नियमानुसार, तो आप देखेंगे निधि जबरदस्त तरीके से चल पड़ी है। नाम मेरा याद रखिए, दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त। और आगे भी आपके लिए निधि को कैसे चलाना है इसके कुछ और टिप्स हैं, माइक्रो फाइनेंस को कैसे चलाना है उसके भी जबरदस्त टिप्स हैं, मैं आपको बताने वाला हूं अगले वीडियो में।